कहानी के शुरू में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अलग अलग तरह की घड़ियां बनाया करता था। उसने एक काफी बड़ी पेंडुलम घड़ी भी बनाई हुई थी और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी घड़ियों को बना हुआ देखते हैं। अगले सीन में हमें एक कार एक्सीडेंट को होते हुए दिखाया जाता है जिसमें बैठे हुए लोग फौरन से मर गए थे। वहाँ पर एक फोन भी था जिस पर एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी। इस बच्ची की आवाज और कार एक्सीडेंट के बारे में हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। कुछ सालों बाद हम देखते हैं एक घड़ियों वाली दुकान को जहाँ पर दो आदमी घड़ियों को उठाकर दुकान में रख रहे थे। वहीं पर वो बड़ी पेंडुलम घड़ी भी थी जो उस बड़े आदमी ने बनाई थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। अचानक से वो घड़ी खुद से चलने लगती है। उसमें टाइम और डेट खुद से बदल रहे थे। उसके बीच में एक बल्ब भी लगा हुआ था जो खुद से जलने लगा था। इस घड़ी के पास अजीब सा साया भी था। इसके बाद दीक्षा नाम की लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी, दीक्षा के मॉम डैड की मौत हो चुकी थी और उनके गम से इसके दादा दादी भी मर गए थे। पर मरने से पहले दीक्षा के दादा ने अपनी सारी जायदाद को उसके नाम कर दिया था। दीक्षा अपने घर में आकर बहुत खुश थी। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, दीक्षा म्यूट थी यानी कि वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। इसके दादा ने इसके नाम जायदाद तो कर दी थी पर उस जायदाद के पेपर्स अभी तैयार नहीं थे। वो अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन इसके लिए एक पार्सल आता है जो शायद किसी ने इनके लिए तोहफा भेजा था, लेकिन इस पार्सल में जो भी था वो नॉर्मल नहीं था क्योंकि इसके अंदर आते ही घर में जो टेम्पल मंदिर था उसमें जो दिया जला हुआ था वो बुझ जाता है। पर दीक्षा इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती क्योंकि उस वक्त खिड़की खुली हुई थी। ये सोचती है हवा की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। रात को दीक्षा के घर की जितनी भी घड़ियां थी वो सभी की वक्त बता रही थी जो काफी अजीब बात थी। और वक्त था 11:05 का। तभी घर की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। अगली सुबह दीक्षा के हस्बैंड युवान का दोस्त इनके घर पर आता है। वो लोग काफी बातें करते हैं। जाते हुए युवान का दोस्त कहता है, क्या तुमने दीक्षा से बात की? युवान कहता है, नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो क्या बात थी ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। दीक्षा जब अपने घर में सामान को सेट कर रही थी तो ये वो पार्सल भी खोलती है। उस पार्सल में से बड़ी सी पेंडुलम घड़ी निकलती है। वो घड़ी बंद थी पर उसको दीक्षा जब चलाती है तो उसमें एक बल्ब था जो घड़ी के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। जब ये अंदर झांक है तो उसको एक बुरी झलक दिखाई देती है जिससे दीक्षा काफी डर गई थी। फिर बाद में जब ये किचन में जाने लगती है तो ये अपनी खिड़की पर किसी को देखती है जो इतना डरावना था जिसे देखकर ये डरकर बेहोश हो गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब चेक करने आते हैं तो ये युवान से पूछते हैं, क्या तुम्हारी वाइफ के साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो बताता है कि नहीं, पर हाँ कुछ सालों पहले दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी जिससे उसने अपनी आवाज को भी खो दिया था और अपनी कुछ यादों को भी भूल गई थी। डॉक्टर दीक्षा को दवाई देकर चले जाते हैं पर जाते हुए डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा और हो सकता है कि अगर दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारी वाइफ पैरालाइज्ड भी हो सकती है जिसके बाद वो चल फिर भी नहीं सकेगी। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो दीक्षा के सपने में एक औरत आती है जहाँ पर वो एक्सीडेंट को भी होता हुआ देखती है जिसमें एक लड़की को एक आदमी लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर एक औरत थी जो तड़प रही थी और अपना हाथ भी मदद के लिए उठा रही थी। तभी दीक्षा को होश आता है, उसके पास एक औरत का भूत था जो उसको कहीं पर ले जा रही थी। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ पर बहुत सारा धुआं था। दीक्षा की आंखें भी अचानक से सफेद हो गई थी। वहाँ पर वही घड़ी भी थी जिसे दीक्षा ने पार्सल से निकाला था जो उसके घर में थी। उस पर कोई गायब चीज हमला कर देती है। तभी दीक्षा डर से जाग गई थी और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी। पर फिर भी वो खुद को संभाल कर दोबारा से सो जाती है, लेकिन अगले ही पल दीक्षा की खिड़की के बाहर किसी औरत को देखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। अगली सुबह युवान जब ऑफिस जाता है तो उसको वहाँ पर भी दीक्षा की फिक्र हो रही थी और इसी बात पर उसके बॉस भी उसको बहुत डांटते हैं। उधर दीक्षा घर पर थी तभी जब घड़ी पर 11:05 का वक्त होता है तो घर की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं। इस टाइम के मुताबिक वाई बनता था जो इस मूवी का नाम भी है। ये काफी अजीब बात थी कि वो घड़ी इसी वक्त पर रिंग करती थी, बजती थी। जब दीक्षा उस घड़ी के पास जाती है तो उसके अंदर दोबारा से झांकने की कोशिश
करती है, पर तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी थी। जब ये जाकर देखती है तो इसे पता चलता है कि इसके अंकल थे जो गांव से आए थे, जिन्हें देखकर ये बहुत खुश हो गई थी। रात को खाना खाते हुए इसके अंकल बताती है कि दीक्षा के नाम जो भी जमीन है उसके कागजात अभी पूरे नहीं है, हमें जल्द ही उन्हें बनवाना होगा वरना और कोई उस पर कब्जा कर लेगा। और यही बात इनके अंकल इन्हें बताने आए थे। जब सब सो जाती है और वही टाइम होता है जो 11:05 का था, घड़ी बजने लगी थी। जब दीक्षा के अंकल बाहर चेक करने आते हैं तो वो फिसल कर गिर गए थे और उन्हें कोई पीछे की तरफ खींच रहा था। सुबह को जब ये सारी बात युवान को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ तो अजीब है क्योंकि मुझे रात कोई चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, पर युवान अपने अंकल से कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है और आप लिक्विड साबुन से फिसल कर गिरे थे, मैंने खुद सुबह फर्श पर गिरे हुए देखा है। ये अपने अंकल की बातों पर यकीन नहीं करता। जब ये सारी बातें जाकर युवान अपने दोस्त को बताता है तो वो कहता है कि तुम सब बातों को हल्का मत लो, दीक्षा की भी तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि ये भूत प्रेत दुनिया में पाए जाते हैं। उधर घर में दीक्षा जब बिल्कुल अकेली थी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खिड़की पर कोई है। जब ये जाकर देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसको खिड़की के शीशे पर पानी के कतरों से वाई लिखा हुआ नजर आता है और तभी उसको अपने पास कोई काला साया भी दिखता है जिसे देखकर वो काफी डर गई थी और वहाँ से बाहर भागती है। तभी घर पर युवान भी आ गया था और उस वक्त भी 11:05:30 का वक्त था। युवान भी दीक्षा की ऐसी हालत देखकर डर गया था, इसलिए वो अब ये फैसला करता है कि वो दिमाग के डॉक्टर को बुलाएगा। डॉक्टर आते ही दीक्षा के घर को देखते हैं, तभी जब वो एक जगह पर जाने लगते हैं तो घर का गार्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है प्लीज आप यहाँ पर मत जाएं, ये जगह ठीक नहीं है। डॉक्टर जब दीक्षा से मिलते हैं तो युवान डॉक्टर को सारी बात बताता है और तभी अंकल की कॉल भी आ गई थी। अब डॉक्टर को भूत वाली बात का भी पता चल गया था। डॉक्टर इनके घर पर कैमरास लगाते हैं और दीक्षा की सारी रिपोर्ट को चेक करते हैं। रात को हम देखते हैं दीक्षा की आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो युवान का गला दबा रही थी, लेकिन तभी युवान को होश आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था, दीक्षा तो उसके पास आराम से सो रही थी। अगली सुबह डॉक्टर ने पूरे घर में कैमरा को लगा दिया था और जब दीक्षा सो जाती है तो सभी उस पर कैमरास के जरिए नजर रख रहे थे और तभी वाई शेप वाला टाइम भी हो जाता है। युवान का दोस्त जब बाथरूम में था तभी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और पानी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। वो अपने पीछे किसी काले साए को महसूस करता है और डर से भागता है। तभी वो दीक्षा को उसके कमरे में देखता है जो अपने बेड पर बैठी अजीब तरह से लग रही थी, जो काफी डरावना था। अब युवान अपने घर के सारे स्विच को दिखाता है जो सच में खराब थे। वो बताता है कि यही वजह है मेरे घर की लाइट्स जलती बुझती हैं। वो अपने दोस्त और डॉक्टर को ये कह रहा था कि भूत प्रीत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहता है जो भी तुम्हारे घर में चल रहा है कुछ ना कुछ दीक्षा से जरूर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर युवान अपनी और दीक्षा की कहानी बताता है, कहता है कि हम दोनों ऑर्फनेज में रहा करते थे, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं और दीक्षा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दीक्षा के मॉम डैड थे, दीक्षा उनकी शादी से पहले पैदा हो गई थी इसीलिए उन्होंने लोगों के डर से उसे अपने साथ नहीं रखा था, पर दीक्षा के मॉम डैड जो असल थे उन्होंने शादी कर ली, काफी साल हो गए थे, उनके पास बच्चे नहीं थे इसीलिए वो दीक्षा को वापस लेने आ गए और तभी दीक्षा उनके साथ चली गई थी। हमारी फोन पर बात होती रहती थी, एक दिन उसने मेरे बारे में अपने मॉम डैड को बताया, वो मुझसे मिलने आ रहे थे तभी कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर दीक्षा बच गई थी और ये वही एक्सीडेंट था जो हमें कहानी के शुरू में दिखाया गया था। जब युवान ये सारी कहानी सुना रहा था दीक्षा भी उसके पास बैठी थी, सब सुन रही थी और अचानक से उसे कुछ होने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो और वो बोलने की भी कोशिश कर रही थी। तभी जब वहाँ पर घड़ी बजती है दीक्षा की हालत काफी खराब हो जाती है। डॉक्टर उस घड़ी को बंद करवाते हैं और अब ये उस घड़ी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। इनको पता चलता है कि पहले ये घड़ी युवान के दोस्त को तोहफे में मिली थी जब उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मगर बाद में उसने युवान को तोहफे में दे दी। जब ये उस घड़ी के असल मालिक के बारे में पता करते हैं तो एक
एजेंट आदमी इनको उस कपल की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने ये घड़ी असल में बनवाई थी। उसे देखते ही युवान कहता है ये तो वही फैमिली है जिससे उस दिन दीक्षा की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पर अब हमें उस एक्सीडेंट के बारे में सही से पता चलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। उस दिन यही कपल था जो बाइक पर अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे और कार में दीक्षा की फैमिली थी, तभी एक मोड़ पर दोनों का एक्सीडेंट हो गया और जिस बच्ची की आवाज़ को फोन पर सुना था वो उसी बाइक पर बैठे कपल की बेटी थी। वो दोनों आते हुए अपनी बेटी से बात कर रहे थे और उस एक्सीडेंट में जो कपल बाइक पर था उनमें से उस लेडी का हस्बैंड मर गया था और दीक्षा की मॉम डैड भी, पर वो लेडी अपना हाथ मदद के लिए हिला रही थी और शायद यही वजह थी कि ये लेडी बार बार दीक्षा के सपनों में आया करती थी। इसके बाद सभी रात को मिलकर खाना खाते हैं और डॉक्टर दोबारा से घड़ी को चेक करने जाते हैं। जब युवान डॉक्टर के कमरे में आता है तो उधर डॉक्टर नहीं थे, टाइम भी 11:05 का था। खैर डॉक्टर जब इनके पास आते हैं और इन्हें यहाँ पर बताते हैं जिससे इन्हें और हमें यहाँ पर सच का पता चलता है। डॉक्टर कहते हैं कि असल में कोई भूत प्रीत नहीं है, उस घड़ी को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसमें उस कपल की तस्वीर का नेगेटिव डाला गया है और हमने देखा था जब दीक्षा को एक नेगेटिव अजीब झलक दिखाई दी थी उसकी भी यही वजह थी। और जब 11:05 का वक्त होता है तो ये सब कुछ नजर आता है। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, मैं बाहर गार्ड के पास गया, मैंने पूछा ये सब क्या चल रहा है, जिस पर उसने मुझे एक औरत के बारे में बताया कि उसकी बेटी और दामाद बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, तभी एक दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस औरत की बेटी का हस्बैंड तो मर गया पर उसकी बेटी जिंदा थी जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बार बार अपने हस्बैंड की कब्र पर जाती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और जो दीक्षा को खिड़की पर साया नजर आता था वो इसी औरत की बेटी का था। डॉक्टर बताते हैं कि भूत प्रीत कुछ नहीं है यहाँ। और हाँ, आज रात उस औरत की बेटी मर गई, गार्ड उसको दफना करा रहा था और वो औरत इसीलिए रो रही थी। तो ये घड़ी उसी कपल की थी जिनका एक्सीडेंट दीक्षा की गाड़ी से हुआ था और 11:05 को सेकंड पर ये घड़ी इसलिए बोलती थी क्योंकि इस वक्त पर उस कपल की बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उनके लिए ये स्पेशल टाइम था। और उस बूढ़े आदमी से इस कपल ने ये घड़ी बनवाई थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। अगले सीन में दिखाया जाता है सब कुछ ठीक हो चुका था, डॉक्टर भी वापिस से अपने घर आ गए थे। दीक्षा और युवान उस औरत के साथ उसकी बेटी की कब्र पर जाते हैं और उसकी नवासी यानी के जो उसकी बेटी की बेटी थी उसको गोद ले लेते हैं। डॉक्टर जब अपने घर पर थे तो सभी वीडियोस को चेक कर रहे थे और साथ ही साथ डिलीट भी कर रहे थे, लेकिन तभी डॉक्टर के सामने पिछली रात की रिकॉर्डिंग आती है जिसमें उन्हें साया नजर आता है, मगर उस वक्त तो उस औरत की बेटी की मौत हो चुकी थी। क्या सच में उस औरत की बेटी की आत्मा वाकई ही इस घड़ी में चली गई थी? और उस वक्त भी 11:05 का टाइम था, तभी घड़ी बजने लगती है। उसकी आवाज से वो बच्ची जाग गई थी जिसको दीक्षा और युवान ने गोद लिया था। वो अपने सामने एक काले साए को देखती है और आखिर में हम टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ देखते हैं। क्या आगे वो आत्मा अपनी बेटी के साथ रहेगी या फिर आगे बहुत कुछ होना बाकी है? ये 11:05 का टाइम स्पेशल तो था पर अब खतरनाक भी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।